अस्सलामुअलैकुम। जी बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लब सैंडविच। चलें, इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें लेना है 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज, 2 अंडे मैंने बॉयल करके रख दिए थे, और ये मैंने लिया है धनिया, बॉयल चिकन लिया है मैंने, बंद गोभी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अब सैंडविच बनाने जा रही हूँ, क्लब सैंडविच। तो इसके लिए मैंने डबल रोटी ली है, इसके साइड कट कर दिए, बाकी के नहीं किए हैं। 3 टेबलस्पून मायोनीज ली है, बॉयल एग्स लिए हैं, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, धनिया लिया है चॉप, चिकन लिया है मैंने बॉयल करके, इसको मैंने अच्छे से ना कटिंग कर लिया है। ये मैंने बंद गोभी ली है, गाजर, शिमला मिर्च। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले ये हम साइड पे कर देंगे, और हम लोग लेंगे एक बाउल, उसमें हम लोग सारी चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें एग, बॉयल एग। तो जी बॉयल एग के बाद मैं डालूँगी इसमें चिकन, ये देखिए बंद गोभी, बहुत मज़े के बनते हैं वेजिटेबल डाल के। आप रमज़ान स्पेशल रमज़ान में भी आप लोग अफ्तारी में खा सकते हैं। अगर आप लोग पकोड़े समोसे और चीज़ों से दिल भर गया है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये सैंडविच नॉर्मली बना है हमारे यहाँ तो रमज़ानों में बहुत बनते हैं, अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज़, अगर कम पड़े तो आप और ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे पहले 1/2 टेबल स्पून का, काली मिर्च डालेंगे, और अब इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ये रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, अफ्तारी में खाएं, और सबको बहुत मज़े के लगते हैं वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल क्लब सैंडविच। तो जी इसमें मायोनीज थोड़ी कम पड़ गई है, हम इस पर और मायोनीज थोड़ी सी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दिएगा, और ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में बताते रह के आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये बन के बैटर तैयार है। अब हमने ये जगह क्लीन करी हुई है, अब हम इसमें सैंडविच लेंगे। सबसे पहले अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर, टू साइड इस तरह डालेंगे ये। आप इस पर चाहे तो सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी। तो जी इस तरीके से आप लोग इसको बना लीजिए फैला के, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करिएगा, वेजिटेबल क्लब सैंडविच बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं, बेकरी जैसे। और बच्चों को आप ये लोग लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, और शाम के चाय में भी, चाय के साथ बड़े और बच्चों के भी आप ये लोग दे सकते हैं। आप लोग बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े का बनता है, बार बार बता रही हूँ, ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे यहाँ रमज़ान में जब पकौड़े वकौड़े समोसे खा के तंग आ जाता है बंदा, तो फिर ये बनाते हैं हम लोग और ये ही खाते हैं, बहुत मज़े में बनता है। तो ये साइड्स पे पूरी तरीके से कर देंगे हम लोग। ये देखें, और अब हम इसमें ये करते हैं स्लाइस, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। तो जी हमने एक साफ सी प्लेट ले ली है, अब इसमें हम लोग ये सैंडविच, ये देखिए माशाल्लाह मैंने कटिंग कर ली है, कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं सैंडविच, देख सकते हैं आप, इजीली झटपट तैयार हो जाते हैं। आप लोग ये अफ्तारी में सहरी में यूज़ करें, खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं सैंडविचेस।
और मैंने ये इस तरीके से ये कटिंग की है। अगर बच्चे आपके इस तरीके से खाते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं। बाकी मुझे बताइएगा आप कमेंट्स बॉक्स पे कि आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपकी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, ये देखें, कितने मज़े की झटपट बनकर तैयार हुई है। अगर आपकी मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर लीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे सैंडविचेस की रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान स्पेशल चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।